कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के साथ साथ बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर बीजेपी ने अपना प्लान भी बना लिया है। साल 2014 और 2019 में भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना ली है। चुनावी प्रचार प्रसार के लिए अनोखे तरीके इख्तियार करने वाली बीजेपी ने इस बार फेसबुक और इंस्टाग्राम का सहारा लिया है। मंगलवार को बीजेपी ने ज्यादा जोर देते हुए अपनी आईटी सेल और सोशल मीडिया की टीम को साफ संदेश दिया है कि इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक के शॉर्ट वीडियो पर भरपूर ध्यान दें, क्योंकि लोग इन्हें सबसे ज्यादा देखते हैं। ऐसे में इस माध्यम से हमें अपना संदेश पहुंचाने में काफी ज्यादा आसानी होगी। अगले साल के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की सोशल मीडिया टीम वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। इसमें बीजेपी सांसदों से लेकर बाकी नेताओं को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन नेताओं से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की योजनाओं और एजेंडा को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल करें और रील्स व शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने अपने अकाउंट से शेयर करें। बीजेपी का ऐसा मानना है कि इंस्टा रील्स और फेसबुक के शॉर्ट वीडियो को दोनों क्षेत्रों गांव और शहर में खूब देखा जाता है। इसी तरह यदि मोदी सरकार की योजनाओं को रील्स या शॉर्ट वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा तो उनका मैसेज एकदम स्पष्ट रूप से उनके समझ में आएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया टीमों की अगुवाई कर रहे लोगों को साफ तौर पर कहा गया है कि विपक्ष के आरोपों का सोशल मीडिया पर जोरदार जवाब दें। हालांकि इसके लिए संतुलित भाषा का इस्तेमाल करें और विपक्ष को पलटवार करने का कोई मौका न दें।